आए हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, और क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि एक मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। इस मैट्रिसेस के प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए का वैल्यू ये दिया हुआ, एक मैट्रिक्स है, कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, फाइंड ए स्क्वायर तो हम कर लेंगे, बाद में कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू ए, तो पी का वैल्यू निकालिए। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ए स्क्वायर निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपका ए स्क्वायर क्या हो गया, आपका ए स्क्वायर हो गया ए इंटू ए, ए इंटू ए में 4 माइनस 4 माइनस 4 और 4, और फिर a इंटू ए में एक बार और लिखेंगे ये वाला, और लिखने के बाद में इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक, मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज विल बी इक्वल टू, क्या होगा, ये विल बी इक्वल टू 16। फिर आ गया माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 विल बी इक्वल टू प्लस 16। एक बार फिर एक बार यही रिपीट करेंगे दूसरे में, 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 दैट इज माइनस 16, ठीक। और फिर यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू योर माइनस 16, ठीक। अब सेम थिंग रिपीट करेंगे नीचे वाले रो से, यानी माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू माइनस 16, और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 विल बी इक्वल टू माइनस 16, ठीक। फिर आ जाइए यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 विल बी इक्वल टू 16, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू 16। तो ये हमारा ए स्क्वायर हुआ, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा जो निकल गया दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 32 16, और ये हो गया माइनस 32, और ये वाला हो गया 32, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक। अब ए स्क्वायर है तो कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू ए, पी इंटू ए, ए का वैल्यू लिखते हैं 4 माइनस 4 माइनस 4 और 4, कह रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग विल गेट p will be equal to 8, ठीक। Why? Because when you will multiply this matrix with 8, natural है कि आपको a square मिलेगा। So here your solution is on comparing p will be equal to 8। काम खत्म। If you have understood, do like, share and subscribe. Thank you for learning.